प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पार्ट 15 छोटा जादूगर के प्रश्न उत्तर। अभ्यास बोध प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छोटे जादूगर से लेखक की पहली मुलाकात कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है, छोटे जादूगर से लेखक की पहली मुलाकात कार्निवाल के मैदान में हुई। लेखक ने छोटे जादूगर से पहली बार मिलने पर क्या पूछा? तो लेखक ने छोटे जादूगर से पहली बार मिलने पर पूछा कि क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? ग, छोटे जादूगर का खेल उस दिन क्यों नहीं जमा? इसका उत्तर है, छोटे जादूगर का खेल उस दिन इसलिए नहीं जमा क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ के कहे शब्द बार बार याद आ रहे थे कि बेटा आज तुरंत घर चले आना, मेरी घड़ी समीप है। घ, बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा? इसका उत्तर है, बालक की उम्र 13-14 वर्ष की थी और वह अपनी आजीविका के लिए मतलब जीवन यापन के लिए बिल्ली, बंदर, गुड़िया, गुड्डा, ताश के पत्ते, सूत की डोरी आदि से खेल दिखाता था। इन खेलों से लोगों का मनोरंजन करता था, इसलिए उसका नाम छोटा जादूगर पड़ गया। अंग, छोटे जादूगर के किन किन गुणों ने तुम्हें प्रभावित किया? इसका उत्तर है, छोटा जादूगर अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए खेल दिखाता है अर्थात ईमानदारी से मेहनत करता है। वह किसी से भीख नहीं मांगता है, वह माँ का आज्ञाकारी बेटा है एवं बड़ों की इज्जत करता है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। मैं सच कहता हूं बाबूजी, माँ बीमार है। छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है। माँ ने कहा था कि आज चले आना, मेरी घड़ी तुरंत समीप है। भाषा अध्ययन प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द है प्रगल्भता, तथ्य, उद्यान, स्वार्थी, ईर्ष्या, धैर्य। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रगल्भता का अर्थ क्या है। प्रगल्भता का अर्थ है गर्व। छोटे जादूगर ने प्रगल्भता से कहा कि ताश का खेल मैं दिखा सकता हूं। तथ्य का मतलब होता है आधार। छोटे जादूगर द्वारा उसकी माँ के बारे में कही गई बातें तथ्यपूर्ण थी। उद्यान मतलब बगीचा। कलकत्ता में एक सुरम्य बॉटनिकल उद्यान है। बॉटनिकल मतलब जीव विज्ञान से संबंधित उद्यान है। स्वार्थी, केवल स्वयं का हित सोचने वाले कुछ स्वार्थी लोग शहर के अमन चैन को बिगाड़ देते हैं। ईर्ष्या मतलब द्वेष। किसी की उन्नति या प्रगति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। धैर्य मतलब विवेक। विपदा के समय या मुसीबत के समय धैर्य से काम लेने में ही समझदारी है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित तालिका के क खंड में मुहावरे या क खंड में मुहावरे और ख खंड में अर्थ दिए हैं। ये ख खंड में ये गलत अर्थ दिए, इनका क्रम बिगड़ा हुआ है। ग खंड में मुहावरों के सामने सही अर्थ लिखिए। तो ये ग खंड है, ये ग खंड है और ये सही है। देखो, उछल पड़ना का अधिक प्रसन्न होना, जबकि अधिक प्रसन्न होना कहाँ लिखा है? यहाँ पर। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना और ये यहाँ लिखा है। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना, ये यहाँ लिखा है। आंसू निकल पड़ना मतलब दुखी होकर रोना, ये यहाँ पर लिखा है।
और चैन न पड़ना मतलब परेशान होना, ये यहाँ लिखा है। तो ये मुहावरे और इनके ये सही अर्थ है और ये गलत अर्थ दिए हैं, इनको जमा के सही अर्थ बनाए हमने। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। बाबूजी जेल में हैं, क्यों? देश के लिए, गर्व से बोला, और तुम्हारी माँ वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उपर्युक्त वाक्य संवाद है, इन वाक्यों को हाव भाव तथा उतार चढ़ाव के साथ पढ़ा जाए तो भाव में परिवर्तन आ जाता है। पाठ में आए ऐसे उतार चढ़ाव जिनको अनुतान बोलते हैं वाले 5 वाक्य लिखिए और उन्हें बोलकर प्रभाव पैदा करने का प्रयास कीजिए। अर्थ पर भी ध्यान दीजिए। पहला है, क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। नंबर 2, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम नहीं गए थे? नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, टिकट लगता है। नंबर 3, तो चलो मैं वहां तुमको लिवा चलूं। वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। ये ना है। नंबर 4, तुम्हारे और कौन कौन है? तो उत्तर मिलता है, माँ और बाबूजी। नंबर 5, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो मैं खेल दिखाऊं। बाबूजी बोलते हैं, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क, छोटा जादूगर फटा कुर्ता पहने था। ख, उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। पहले वाक्य में छोटा जादूगर में छोटा, ये छोटा, फटा कुर्ता में फटा, फटा, 12 खिलौनों में 12 खिलौनों में 12, ये 12 शब्द क्रमशः जादूगर की मतलब छोटा जादूगर की, कुर्ते की मतलब फटा कुर्ता, खिलौनों की मतलब 12 खिलौने की विशेषताएं स्पष्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं उन्हें विशेषण तथा जिस शब्द की विशेषताएं बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे छोटी झील, गुलाबी शहर, निकम्मा जादूगर। इसमें छोटी, गुलाबी, निकम्मा शब्द विशेषण है और झील, शहर, जादूगर विशेष्य है। विशेषण के भेद गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव, काल, आकार, रंग आदि का ज्ञान हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा जादूगर, छोटी झील, निकम्मा आदमी। ख, संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक चादर, 4 रुपए, 12 खिलौने आदि। ग, परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों के द्वारा किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध हो तो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा दूर, सारा संसार। ग, सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर मैं, तू, तुम, वह, अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा देश, यह घोड़ा आदि। पाठ में से विशेषण विशेष्य छांटकर तालिका बनाइए। ये पाठ में आए थे विशेषणों विशेष्य, यहां पर 8 और 8 16 दिए हैं। विशेषण विशेष्य फटा कुर्ता, ये गुणवाचक है। अधिक प्रसन्नता, परिमाणवाचक। 12 टिकट, संख्यावाचक। पक्का निशानेबाज, गुणवाचक। लाल कमलिनी, गुणवाचक। छोटी झील, परिमाणवाचक। घने वृक्षों या घने वृक्ष, परिमाणवाचक। मस्तानी चाल, गुणवाचक। छोटा जादूगर,
परिमाणवाचक, सूती चादर गुणवाचक, निर्मल धूप गुणवाचक, तुम्हारा खेल सार्वनामिक, मेरी घड़ी सार्वनामिक, दुर्बल हाथ गुणवाचक, उज्ज्वल धूप गुणवाचक, समग्र संसार परिमाणवाचक। प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखे शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग कीजिए। जैसे ये कंगन कंगन, अंक अंक, शंख शंख, यह अंग आता है, उच्चारण में अंग आता है। गंगा गंगा, पंच यह आता है पंच, गुंजन खंजन रंजन, पंडित पंडित, इसमें अण आता है, पंडा पंडित, ये पंडा लिखा है, पंडा पंडित घंटा ठंडा, पंडा पंडित घंटा ठंडा, सब में ण आता है। पंत चंदन धंधा कंधा, सब में न आता है आधा, पंत चंदन धंधा कंधा। पंप कंप मंदिर दंभ, देखो मंदिर शब्द यहां आना था, ये इसमें आधा न आता है, दंभ, बाकी सब में देखो म आता है आधा। पंप पंप कंप कंप मंदिर आधा न आता है, दंभ आधा म आता है। तो ये जो है अनुस्वार के स्थान पर अपनों ने पंचम वर्ण का प्रयोग किया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।